नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं iOS 16 बेस्ड MIUI 14 थीम्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर iOS 16 MIUI थीम को इंस्टॉल किया है एंड इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो, प्लस यहाँ पर इस तरह से पर ऐसे भी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यहाँ पर क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है फ़ोन को अनलॉक करने का जो आइकॉन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर नॉच का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, यहाँ से आप जो है नॉच को भी ऐड किया गया है एंड यहाँ पर कंट्रोल सेंटर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। इस तरह से जो है कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा इस थीम के साथ। यहाँ पर आप जो है वाईफाई, ब्लूटूथ, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, डार्क मोड का ऑप्शन है, इस तरह से सभी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है कंट्रोल सेंटर के साथ। एंड अगर बात करें पर होम स्क्रीन के बारे में तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वॉलपेपर है काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर बात करें पर ऐप आइकॉन के बारे में तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है ऐप आइकॉन देखने को मिल जाएगा। क्लॉक कोजर्स को भी ऐड किया गया है, बैटरी परसेंटेज, ब्लूटूथ आइकॉन भी दे सकते हो। यहाँ पर सरस भर के साथ भी चेंजेस देने को मिलेगा। यहाँ पर जो वॉलपेपर है काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो आइकॉन है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है यहाँ पर चेंजेस देने को मिलता है। बाकी यहाँ पर इस तरह से अगर आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पर वेदर का ऑप्शन है, यहाँ पर सीरी शॉर्टकट को ऐड किया गया है, सीरी शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस जो है यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह से जो ओवरऑल UI देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया UI है। एंड यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन, डिवाइस, कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन, स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस को आप यहाँ पर इस थीम के साथ जो है सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अभी फिलहाल हमने इस थीम को जो है इंस्टॉल किया है Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर। एंड सभी थीम्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के दौरान जो है टोटल 5 थीम को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड सभी जो थीम है तो Redmi, Poco, Xiaomi डिवाइस के साथ जो है काम कर जाएगा। एंड इस थीम के साथ जो है कुछ इस तरह से जो है डायलर के साथ जो है UI देने को मिलेगा। पर डायलर के साथ जो है कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलेगा। इवन जो मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है इस थीम के साथ। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो लॉक स्क्रीन UI है काफ़ी बढ़िया है। इस तरह से जो है एनिमेशन देखने को मिलेगा फ़ोन को अनलॉक करने का टाइम, प्लस नॉच का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली आप इस थीम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते इस थीम के साथ भी आपको यहाँ पर iOS 16 का जो एक्सपीरियंस है देखने को मिल जाएगा, प्लस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है। थीम को अप्लाई करने के बाद फ़ोन को एक बार ज़रूर से रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करने से क्या होगा, थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो थीम यहाँ पर अप्लाई हो गया है एंड इस थीम के साथ जो है यहाँ पर सरस भर के साथ जो है पर कस्टमाइजेशन देने को मिलेगा। यहाँ पर सरस भर के साथ भी चेंजेस देने को मिल जाएगा, बैटरी परसेंटेज, ब्लूटूथ आइकॉन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है डॉक को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, डॉक को जो डॉक का जो ऑपोसिटी उसके आप जो चेंजेस कर सकते हो, प्लस यहाँ पर जो है इस तरह से जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है इस थीम के साथ। एंड यहाँ पर इस थीम के साथ कुछ इस तरह से जो है ऊपर वॉलपेपर देखने को मिलेगा। अगर बात करें पर ऐप आइकॉन के बारे में तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है ऐप आइकॉन भी देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से जो क्लॉक स्टाइल को भी ऐड किया गया है। एंड अगर बात करें पर डायलर के बारे में तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है डायलर के साथ भी UI देखने को मिल जाएगा, यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। डायलर का जो UI है कम्प्लीटली यहाँ पर रीडिजाइन हो गया है। नया वाला जो यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है रीडिजाइन UI देखने को मिलेगा, प्लस जो फॉन्ट है उसे भी चेंज किया गया है इस थीम के साथ। एंड जो डायलर है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, प्लस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। कम्प्लीटली यहाँ पर डिफरेंट UI देखने को मिल जाएगा मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी। प्लस अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर के साथ जो ब्लर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो आइकॉन है यहाँ पर आइकॉन के साथ भी चेंजेस देने को मिलते हैं इस थीम के साथ। तो काफ़ी चेंजेस देने को मिलेगा इस थीम के साथ।
एंड अगर बात करें यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू के बारे में, तो इस थीम के साथ जो सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन है यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। अगर बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो इस थीम के साथ कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देने को मिलेगा। यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, कैमरा का ऑप्शन है, अलग अलग विजेट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर स्टेप काउंटर, बैटरी परसेंटेज, वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर डबल टैप करके नेविगेशन बार में जो है कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ इस तरह से जो है नेविगेशन बार में डबल टैप करके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो क्लॉक स्टाइल है उसे भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर जो ऑपोसिटी उसे आप जो इंक्रीज कर सकते हो, पर हाइट करने का ऑप्शन है। डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक स्टाइल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। इस थीम के साथ जो आप डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर को भी सिलेक्ट कर पाओगे इसे भी ऐड किया गया है। एनीवे बट दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, नेक्स्ट जो थीम इसे सिंपली अप्लाई करते हैं। एंड सब जो थीम है MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 के साथ भी काम कर जाएगा। ये जो थीम यहाँ पर अप्लाई हो गया है, सबसे पहले इस थीम के साथ जो है यहाँ पर सरसवर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, ब्लूटूथ आइकॉन के साथ जो है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। एंड अगर बात करें पर यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो क्लॉक स्टाइल को ऐड किया गया है, वेदर विजेट्स का ऑप्शन है। अगर बात करें यहाँ पर वॉलपेपर के बारे में, तो इस थीम के साथ जो है काफ़ी बढ़िया वॉलपेपर देखने को मिलेगा। एंड ऐप आइकॉन की अगर बात करें, इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है ऐप आइकॉन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डायलर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस डायलर के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मिनिमल चेंजेस देखने को मिल जाएगा। डायलर का जो आइकॉन है इसमें चेंजेस है, प्लस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है यहाँ पर चेंजेस देने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ऐप आइकॉन इस थीम के साथ जो काफ़ी बढ़िया देने को मिलता है। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। काफ़ी डिफरेंट एंड अलग कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिल गया है। इस तरह से पर जो कंट्रोल सेंटर के साथ जो यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें पर सेटिंग्स मेनू के बारे में, तो यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन है देख सकते हो, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के साथ जो है आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर इस स्क्रीन के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलता है। यहाँ पर अलग अलग विजेट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बाकी जो वॉलपेपर है काफ़ी बढ़िया है। आपको यहाँ पर क्लीन UI देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो आप डेफिनेटली इस थीम को भी ट्राई करके देख सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, तो यहाँ पर कलरOS 13 का जो थीम होने वाला है, इस थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आप सिंपली यहाँ पर कलरOS को एक्सपीरियंस कर सकते हो आपके रेडमी पोको डिवाइस के ऊपर। सभी थीम्स को जो है यहाँ पर थीम स्टोर से ही डाउनलोड करना होगा। सभी थीम्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है वॉलपेपर देखने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें पर क्लॉक स्टाइल के बारे में, कलरOS का जो क्लॉक स्टाइल है ऐड किया गया है। ऐप आइकॉन की बात करें, तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है ऐप आइकॉन भी देखने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी हद तक यहाँ पर जो गैलरी आइकॉन है, प्लस मैसेजिंग, डायलर, सभी के साथ जो है कलरOS का जो लुक एंड फील देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर डायलर के बारे में, तो कुछ इस तरह से जो है डायलर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं इस थीम के साथ। डायलर के साथ जो है मिनिमल चेंजेस है, प्लस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी मिनिमल चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन को ऐड किया गया है इस थीम के साथ, जिस हमने नोटिस किया है। एंड यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो है आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के साथ जो है आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है कलरOS 13 का जो थीम है, इसे आप जो है ट्राई करके देख सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, नेक्स्ट जो थीम है इसे सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो थीम है अप्लाई हो गया है, इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पर बात कर लेते हैं पर क्लॉक विजेट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो वेदर विजेट्स एंड क्लॉक विजेट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें पर ऐप आइकॉन के बारे में, तो इस थीम के साथ जो है पर ऐप आइकॉन के साथ जो है पर कुछ इस तरह से यूजर
इंटरफेस देखने को मिलेगा, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। अगर बात करें पर डायलर के बारे में तो यहाँ पर डायलर के साथ भी यहाँ पर मिनिमल चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह से डायलर के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ हमने नोटिस किया है। प्लस अगर बात करें मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में तो यहाँ पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी कुछ इस तरह से मिनिमल UI देने को मिलता है, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस देने को मिलेगा। इवन जो कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो आइकॉन है इसमें जो है कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, जिसे हमने नोटिस किया है। अगर बात करें पर सेटिंग्स मेनू के बारे में तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन है आइकॉन के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन भी देखने को मिलता है। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से जो क्लॉक विजेट्स को ऐड किया गया है, पर कैमरा एंड पावर बटन का जो ऑप्शन से काम करता है। तो डेफिनेटली आपके डिवाइस को बड़े ये सभी थीम्स को ट्राई करके देखो, एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। आपको कौन सा थीम सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा है वो भी आप जो है कमेंट करके बोल सकते हो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।